हेलो दोस्तों, सोनालिका ट्रैक्टर DI-35 में पावर फ्लो कैसे होता है हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। जैसे कि आप इसका एक ओपन व्यू देख रहे हैं, इसके अंदर हमने पूरा खोल के दिखाया हुआ है कि कैसे एक सोनालिका ट्रैक्टर में गियरबॉक्स के थ्रू आई हुई पावर को व्हील्स तक पहुँचाया जाता है। ये एक ओपन सर्किट है और इसको हम ब्रीफली आपको बताएंगे। तो जैसे कि दो गियर लगे होते हैं, दो गियर लीवर होते हैं गियरबॉक्स के ऊपर, एक होता है फॉरवर्ड और रिवर्स गियर लीवर, दूसरा होता है आपका जिसके द्वारा हम गियर को सिलेक्शन करते हैं, एक डायरेक्शन लीवर बोलते हैं और एक होता है जो गियर को सिलेक्ट करता है। तो स्पेशली ये एक डायरेक्शन लीवर है जिसके द्वारा हम फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल तीन पोजीशन इसमें होती हैं। जैसे ही हम इसको आगे करेंगे तो फॉरवर्ड, पीछे करेंगे तो रिवर्स, और उसी के साथ साथ ये जो बीच में अंदर दिया हुआ है साइकोनाइजर, ये मूवमेंट करता है और ये उसके अकॉर्डिंग उसको इंगेज करता है। तो जैसे ही हम इसको आगे करेंगे, पावर आगे से इस साइकोनाइजर में जाएगी और इस साइकोनाइजर के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर देगा इस आउटपुट शाफ्ट के अंदर। ये एक स्प्लाइंस कटी होती है जिसके द्वारा ये पावर आगे जाती है। ये पावर यहाँ पे इस शाफ्ट के थ्रू यहाँ स्प्लाइंस में आ जाएगी। यहाँ पे एक स्पेसर होता है जो कि शाफ्ट को जोड़ के रखता है। यहाँ पे ये क्राउन व्हील के साथ क्राउन पिनियन लगा हुआ है, क्राउन पिनियन से पावर चली जाएगी क्राउन व्हील के अंदर, क्राउन व्हील जो कि पावर को 180 डिग्री में ट्रांसमिट करता है। तो दोनों ओर दो छोटे गियर लगे हुए हैं, तो ये एक छोटा गियर है और इस छोटे गियर के थ्रू पावर चली जाती है हमारी, साथ ही साथ जो ब्रेक्स लगे हुए हैं, ब्रेक असेंबली जो लगी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ब्रेक असेंबली कैसे काम करती है। तो यहीं से इस छोटे गियर में पावर जाती है और छोटे गियर से पावर चली जाती है एक बड़े गियर में, जो कि दोनों साइड में अलग अलग लगे हुए हैं। जब बड़े गियर में ड्राइव जाती है तो वो एक हाफ शाफ्ट के थ्रू चली जाती है व्हील में, अगर राइट साइड का है तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड में। इस प्रकार से पावर ट्रांसमिट हो जाती है दोनों साइड में जो इंजन के थ्रू आई हुई पावर है। तो दोनों ओर दो बड़े गियर हैं और दो ही छोटे गियर हैं। जैसे ही क्राउन व्हील में पावर आई, क्राउन व्हील के थ्रू पावर गई दो छोटे गियर में और छोटे गियर लगे हुए हैं ब्रेक से। ब्रेक्स अगर हमारे डिसंगेज हैं तो ये पावर डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगी हमारे हाफ शाफ्ट के थ्रू व्हील के अंदर। अदरवाइज अगर हम जैसे ही गियर को ऑपरेट कर देते हैं तो गियर ऑपरेट हो जाते हैं और उस छोटे गियर को रोक लेते हैं जिसके द्वारा पावर हमारी रुक जाती है। ये एक आउटपुट दिया गया है पीटीओ के लिए, जो पीटीओ शाफ्ट है जो डायरेक्टली देती है गियर बॉक्स से।